पीएम मोदी से ज्यादा है सीजीआई चंद्रचूड़ की सैलरी। मोदी तनख्वाही ने ये खास सुख सुविधाएं भी मिलती हैं, जानकर आप रह जाओगे दंग। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में रिटायर्ड जजों और न्यायिक अधिकारियों की पेंशन को लेकर चिंता जाहिर की। कहा कि 20 साल की सेवा के बाद 19-20 हजार की पेंशन मिलती है, इससे जजों का गुजारा कैसे होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले का न्याय संगत समाधान तलाशने की अपील की। सीजीआई चंद्रचूड़ पहले भी जजों के वेतन भत्ते आदि का मामला उठाते रहे हैं। क्या आपको पता है कि भारत के चीफ जस्टिस को कितनी सैलरी और क्या सुख सुविधाएं मिलती हैं? रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन और क्या सुविधाएं मिलती हैं? इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं, क्या सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में सुधार किया है? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सीजीआई चंद्रचूड़ की कितनी सैलरी? पहले बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। सीजीआई को हर महीने 2,80,000 रुपए सैलरी मिलती है। इसके अलावा हर महीने 45,000 रुपए सत्कार भत्ता मिलता है, साथ ही एक मुश्त 10,00,000 रुपए फर्निशिंग अलाउंस के तौर पर मिलते हैं। सीजीआई को और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? सीजीआई को टाइप 7 बंगला मिलता है, जिसमें 24 घंटे सिक्योरिटी से लेकर नौकर चाकर और क्लर्क जैसी सुविधाएं रहती हैं। सीजीआई को इस घर का किराया नहीं चुकाना होता। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ड्राइवर के साथ साथ एक सरकारी गाड़ी मिलती है, जिसके साथ हर महीने 200 लीटर फ्यूल मिलता है, साथ ही पीएसओ भी मिलता है। सीजीआई ट्रेवलिंग अलाउंस के भी हकदार होते हैं। द सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्ट 1958 के मुताबिक अगर सीजीआई ऑन ड्यूटी कहीं यात्रा करते हैं तो उन्हें इनका भत्ता दिया जाता है। पीएम से ज्यादा है सीजीआई की सैलरी। इस तरह अगर सीजीआई की सैलरी पर नजर डालें तो उनकी तनख्वाह भारत के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री को हर महीने 1,60,000 रुपए बेसिक सैलरी मिलती है। इसके अलावा तमाम भत्ते मिलते हैं, हालांकि 30% कट भी जाता है। तमाम भत्तों को मिलाकर पीएम की सैलरी 2,00,000 प्रतिमाह के आसपास बैठती है, जो सीजीआई की तनख्वाह से काफी कम है। भारत में सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सैलरी सीजीआई से ज्यादा है। सीजीआई को कितनी पेंशन मिलती है? ये तो हुई सेवा के दौरान सैलरी और सुख सुविधाओं की बात। सीजीआई को रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1,40,000 रुपए और महंगाई भत्ता पेंशन के तौर पर मिलता है, साथ ही एक मुश्त 20,00,000 रुपए ग्रेच्युटी के तौर पर मिलते हैं। रिटायरमेंट के बाद सीजीआई के साथ उनके परिवार को केंद्रीय सिविल सर्विस के क्लास 1 अफसर और उसके परिवार के बराबर मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है, साथ ही सुरक्षा भी मिलती है।